फाइनली सरकार को ये मैसेज चला ही गया होगा कि अब बच्चे क्या चाहते हैं और अब बच्चे मानने वाले नहीं है, और मैं कहूंगा भी नहीं आपको रुकने के लिए और मानने के लिए, इसलिए कि प्यारे बच्चों अब हद हो गई, अब ये नहीं चलेगा। आज समझो कि हम लोगों के रोकने के बाद भी बच्चों का पेशेंस जवाब दे दिया, हम लोग नहीं चाहते थे फिजिकल प्रोटेस्ट हो, लेकिन अब हो, अब करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि 9 मिलियन ट्वीट्स के बाद भी अगर सरकार अंधी हो चुकी है, 90 लाख लोगों की बात अंग्रेज नहीं दबाया करते थे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको भी एक स्टेप पार कर चुके हैं। प्यारे बच्चों अब सिर्फ पटना से नहीं होगा, इलाहाबाद, बनारस, मुगलसराय, हर जगह प्रोटेस्ट करना होगा। आज समझिए कि हमको देख के शायद आपके अंदर ऊर्जा आती होगी, आज आपको देख के हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ गई है। प्यारे बच्चों बिहार शरीफ, नवादा, सासाराम, जहां के भी बच्चे हम अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, राजस्थान, हर जगह के बच्चे तैयार रहिए, अब लड़ना होगा, दूसरा कोई उपाय अब बचा नहीं है, अब फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा, ट्विटर कैंपेन से अब काम नहीं चलेगा। सरकार या तो आरआरबी गलत तरीके से सरकार तक बात को सरकार को गलत तरीके से समझा रही है, या सरकार समझना नहीं चाह रही है, तो अब इस अंधी बहरी सरकार को सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी ये समझेगी, और इनको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, और मानना भी चाहिए, हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है। प्यारे बच्चों हमारी खान सर से भी बात हुई, कादिल मैम से भी बात हुई, और भी लोगों से बात चल रही है, सारे टीचर जुड़ रहे हैं और सारे टीचर सपोर्ट में हैं, आप एकदम टेंशन ना लो। उत्कर्ष वाले गौरव सर से भी बात हो रही है, तो आप ही समझिए कि सबको मिलकर एक होना होगा। आज लगभग खान सर से, काजल मैम से हम लोग लगभग 1 घंटे तक बात किए हैं इसी मुद्दे पर कि आखिर मामला क्या होगा और कैसे इस मामले को डील किया जाए, और सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, सारे टीचर आपस में बात कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए, अब चूंकि अति हो रहा है मेरे दोस्त। अब देखो आज का जो न्यूज है कि एनटीपीसी ग्रुप डी में अब 2 एग्जाम होंगे, तुमको लगता होगा कि आप तो कोचिंग वाले हैं, आपके लिए तो ये फायदा है, लेकिन अब नहीं देखा जाता है, चला फायदे नुकसान की बातों से कहीं हम लोग दूर हट चुके हैं, क्योंकि अब नहीं देखा जा रहा है। आज एक बच्चा फोन किया और इतना रो रहा था, उसके पापा नहीं है, रांची में है, और इतना रो रहा था कि बता नहीं सकते कि सर अब 6 महीना पीटी का एग्जाम होगा, उसके बाद 6 महीने और, ये कैसे होगा सर। तो कहीं ना कहीं बच्चे चला बहुत परेशान है, आगे अब एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर बच्चों को मोड़ा जा रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। हम चाहेंगे, सरकार से विनती करेंगे कि इस बहुत बड़े आंदोलन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप बच्चे किसी के रुकेंगे नहीं। आज जब भी सारे बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब मैंने कुछ सामान यहाँ से भिजवाया, खाने पीने के सारे सामान हमने मुहैया करवाना शुरू करवाया, तो समझिए आरपीएफ वालों ने सारे सामान को फेंक दिया रेलवे स्टेशन पे, और मेरे एक भी स्टाफ को अंदर जाने नहीं दिया, फिर भी कुछ लोगों तक पहुंचा। मतलब अब हद हो गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए, बच्चों को पे लाठी चार्ज भी हुआ, तो अब तो बच्चों के पास कोई उपाय बचा नहीं है, तो इसलिए सबको एक होकर लड़ना होगा। हम लोग आपस में ही अलग अगर हो जाएंगे, 2 खेमे 3 खेमे में बट जाएंगे कि टीचर का अलग खेमा, जिसका एनटीपीसी हो पीटी हो गया उसका अलग खेमा, जिनका नहीं हुआ उनका अलग खेमा, जिनका नॉर्मलाइज में कम बढ़ा उसका अलग खेमा, तो फिर रेलवे में पिसते रहो। देखो अभी क्या हुआ, जिनका एनटीपीसी पीटी हो गया था वो ग्रुप डी के लिए अब कौन लड़ेगा, जिसका आप पीटी में यहां भी देना हो, आप बताओ 2 साल तक तो ये भर्ती फिर लटकती। बहुत सारी बातें हैं, आप देखोगे इसको तो 1.5 गुना तो 1 गुना तो 2 गुना, यार समझ समझ के लोग पागल हो जाएगा, उतना में तो किस सब्जेक्ट को पढ़ लेगा। तो कहीं ना कहीं चला आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारे टीचर आपके साथ हैं, टीचर आपसे ही हैं और वो आपसे दूर नहीं है। आप समझिए कि अभी सारे टीचरों से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बातें
पहुंचे हैं कि अब कुछ न कुछ करना होगा, दूसरा कोई उपाय बचा नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और आज का सबसे अच्छी, आज की सबसे अच्छी बात ये रही कि पूरे के पूरे प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि प्यारे बच्चों ने जरा सा भी, उन्होंने शिक्षा का मान रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। इसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।